देखो ना आ जेड़ा इनलेट मैनीफ्यूल है इनू लहदा पेंट किया भट्टी लहदा पेंट किया जनरेटर करके इन्होंने चीजा पेंट करके फिर असेंबलिंग की है आ मैथड है जापानी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके ते कुछ आमदीद कने सारे भरावां नूं। दोस्तों ए तुसीं इंजन वेखदे पए हो जी, ये इंजन दोस्तों 290 स्पैशल दा वै। ये स्पैशल ट्रैक्टर दे विच वी ए इंजन इस्तेमाल किया जाता बिल्कुल इस तरह का सेम। इस तरह तुहानूं पता पहला जिहड़ी कंपनी सी ATS उह स्पैशल जिहड़ी यानी कि जनरेटर दा करके जानी जाती सी, जनरेटर जिहड़ा काफ़ी ज़्यादा इन्हां दा पसंद किया जाता सी बाहर दे मालकां दे विच वी। तो ATS का तुहानू पता पार्ट्स साडे जमींदार इस्तेमाल करते रहे ने, जनरेटर भी इस्तेमाल करते रहे ने, तो हुण ट्रैक्टरां दी वारी है। ट्रैक्टर भी जिहड़ा जिहड़ा जमींदार इस्तेमाल कर रहा है तो उहदे वल्लों अच्छा फीडबैक मिल रहा है। नदीम साहब साडे नाल मौजूद ने, इहनां कोल मज़ीद इहदे बारे मालूमात वगैरह लवांगे कि अगर कोई जमींदार इहदा इकला इंजन लैना चाहता है या जनरेटर लैना चाहता है तो उहदी की कीमत होएगी पाकिस्तानी रुपयां दे विच। मुकम्मल अज्ज तुहानू अपडेट वगैरह देने आ, बाकी तुसीं इंजन वगैरह चैक करो, हर चीज़ एकोरेट डिफरेंट कलर दे विच अपने जेनुइन कलर दे विच नाल असेंबल किए गए ने, मिक्स कलर नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम दीन साहब। वालेकुम सलाम जनाब, की हाल जे? ठीक जे, राजी जे? हां जी, शुक्र अल्लाह दा। ते ए इंजन बारे दसो जी। मैं इंजन जी जनरेटर वास्ते हैगा। हां जी, हां ओही इंजन है जेड़ा 290 दा है। टाइमिंग प्लेट नूं लहदा कलर, टैबट कवर नूं लहदा कवर, खूबसूरती वास्ते देखो ना। अगर एको ही कलर वाजिया जिवें दूसरियां कंपनियां, देखो ना प्लेट नूं ब्लैक कलर कीता है, पुली नूं ब्लैक कीता है, टाइमिंग कलर नूं जिहड़ा ना सिल्वर कीता है, चैंबर नूं लहदा लहदा, आ एक कंट्रास्ट जिवें जापानी इंजन नहीं बनते, हर पुर्जे नूं लहदा लहदा कलर करके ते फिर उहनूं जोड़िया जाया। दूसरी साइड तों वी देखो, आ दूसरी साइड तों देखो, आ देखो ना आ जिहड़ा इनलेट मैनीफ्यूल है इहनू लहदा पेंट कीता है, भट्टी नू लहदा पेंट कीता है, जनरेटर नू करके इहनां चीज़ां नू पेंट करके फिर असेंबलिंग कीती है। आ मैथड है जापानी। हां जी हां जी हां जी, कारां दे विच आ तकनीक हुंदी है। ते क्योंकि साडे ATS दे जिहड़े जनरेटर हुंदे आ इहनां दा कंपीटीशन जापानी जनरेटरां नाल भी हुंदा है, तो फिर असीं इस करके इहनू खूबसूरत ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੁੱਪੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੁੱਪੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਾ ਰੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਬਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਰੰਗ ਬਾਜ ਗਿਆ, ਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਰੇਟਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੰਜਨ ਲਹਿਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਦਾ? ਆਪੋਨੇ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਸਰ 11,50,000 ਪਲੱਸ GST। 11,50,000 ਪਲੱਸ GST, GST ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? जमींदार टर्बो मॉडल आ रहा है, अच्छा टर्बो मॉडल आ रहा है फिर। हां टर्बो मॉडल आ रहा है इंशाल्लाह। कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं, कोई एस्टीमेट डेट दस दो जी, कदों तक आ जाएगा? एस्टीमेट ला लो कि 2 महीने। 2 महीने तक? 2-4 महीने लग सकते। मतलब कोशिश कर रहे हो तुम? जी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जी। ए जी कोई नई चीज लेके साडे जमींदार आखन जा जी ATS में, अल्लाह दे हुक्म ना तू दुआ करो, अल्लाह करी नहीं जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਚਰਨ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ATS ਹੈ ਬੁੱਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਆਨੇ ਆ ਜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਔਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 22 ਔਰ 23 ਨੂੰ ਵੀ
22 और 23 ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਦਲੋਗੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ ਐਸੇ ਹਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।